कोरोना मामलों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। कोरोना को लेकर अलर्ट हुआ स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बुलाई अहम बैठक और कल अधिकारियों के साथ अहम बैठक होगी। आपको बता दें, जिस तरीके से प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर अब गृह मंत्री अनिल विज ने काफी अहम बैठक जो है वो कल बुलाई है और क्या क्या गाइडलाइंस जो है वो सरकार की तरफ से लागू की जाएंगी, क्या क्या एडवाइजरी जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाएंगी, उसको लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। नहीं, उसके लिए पूरा ही तैयारियां हैं और सारा जायजा लेने के लिए मैंने सोमवार को 1 बजे मीटिंग बुलाई है सभी अधिकारियों की और हम पूरी तरह से निगाह रखे हुए हैं इसके। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश सैनी जुड़ चुके हैं। नरेश, जानकारी चाहेंगे। लगातार प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट है? जी बिल्कुल अनु, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक बार फिर जो कोरोना के केस हैं वो बढ़ने शुरू हुए हैं, इसके चलते पूरे हरियाणा में एक बार फिर जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की गाइडलाइन जारी करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि कल गृह मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग में की बात कही है और कल स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ उनकी बातचीत होगी और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि क्या क्या गाइडलाइन जारी करनी है और क्या क्या पाबंदियां जो है लगाने की बात उनकी तरफ से की जाती है, ये कल मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट है कोरोना को लेकर और जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो अस्पतालों में अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और गृह मंत्री अनिल विज। नरेश, एक और जानकारी चाहेंगे, क्योंकि वैक्सीन तो ज्यादातर लोगों ने लगा ली है लेकिन बूस्टर डोज जो है कई लोगों ने नहीं लगाई है, तो उसको लेकर जो है लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार फिर से मंडरा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि कोरोना जैसे ही कम हुआ था उसके बाद जो है लोग जो है लापरवाह जरूर दिखाई दिए हैं और ज्यादातर लोगों ने जो है बूस्टर डोज नहीं लगवाई, इसके चलते कहीं ना कहीं हर बार जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप भी लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बूस्टर डोज लगवाने में जो है काफी लोग आगे नहीं आ रहे और इसके चलते अब जो एक बार फिर कोरोना का ग्राफ बढ़ना शुरू है तो उसके चलते जो है बूस्टर डोज भी ज्यादातर लोग जरूर लगवाएंगे, क्योंकि लोगों में एक जो खौफ दोबारा पैदा हुआ है उसके चलते कहीं ना कहीं बूस्टर डोज लगवाया जाएगा और जो कह सकते हैं कि एक वैक्सीन के कारण ही जो कोरोना पर जो स्वास्थ्य विभाग लगाम लगा पाया है उसी के चलते जो हालांकि कोरोना काफी बड़ा है लेकिन कैजुअलिटी बहुत कम हुई है। नरेश, क्योंकि अगर बात करूँ कोरोना के केसेस तभी बढ़ेंगे अगर टेस्टिंग होगी, तो अगर अंबाला का जिक्र करें तो अंबाला में एक दिन में कितनी टेस्टिंग हो रही है? बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी बढ़ना परसों का आंकड़ा जैसे कि हमने स्वास्थ्य विभाग का जो अंबाला का टीएमओ उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने 86 का आंकड़ा बताया था और कल का अभी आंकड़ा आना बाकी है और कह सकते हैं कि इस बार तेजी से जो है कोरोना के केस जरूर बढ़ने शुरू हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की भी पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कह सकते हैं कि कल की मीटिंग के बाद शायद एक बार फिर कोरोना की गाइडलाइन जरूर लोगों को पालन करना पड़ेगा और कह सकते हैं कि जो कोरोना के चलते जो मास्क लगाने की जो एक प्रक्रिया थी वो कल एक बार से फिर देखने को मिलेगी और स्वास्थ्य विभाग और जो सरकार है इस पर फैसला ले सकती है कि सभी को जो है मास्क जरूर लगाना होगा। जी, कोरोना के जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है और कल जो है गृह मंत्री अनिल विज अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश, तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर हमारी तैयारी पूरी है, गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है, और कल अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। प्रदेश में लगातार कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चिंता का विषय ये है, क्योंकि अगर प्रदेश की बात करें तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के सामने भी खतरे की घंटी है। तो अस्पताल प्रशासन कितना तैयार है उसको लेकर भी काफी अहम बैठक जो है कल गृह मंत्री अनिल विज करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब कोरोना ने लोगों के साथ साथ सरकार की एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी और
अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम करने के लिए सरकार भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और कल अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अनिल विज बैठक करेंगे।